उपायुक्त कैथल के आदेश पर पीडब्ल्यूडी एक्सीएन राजकुमार अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम पंचायत भागल द्वारा बनाई जा रही सड़क की जांच करने भागल गांव में पहुंचे। शुरुआती जांच में सड़क में भारी खामियां पाई गईं। शिकायतकर्ता बार एसोसिएशन गुल्हा के प्रधान बलदेव पुनिया ने गांव के सरपंच रामेश्वर दास पर आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिस कारण बनाई गई सड़क कई स्थानों से बैठ चुकी है और गांव के लोगों को वहां से आना जाना दूभर हो रहा है। बरसात के दिनों में यहां के लोगों को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। बलदेव पुनिया ने बताया कि इससे पहले भी वो कई बार बीडीपीओ गुहला को शिकायत दे चुके हैं, परंतु बीडीपीओ गुहला और सरपंच की मिलीभगत से ये सारा कार्य चल रहा है, जिस कारण बीडीपीओ गुहला द्वारा जांच में 3 बार गोलमाल किया गया और पूरी रिपोर्ट सरपंच के पक्ष में बनाकर भेजी गई। जब आज मौके पर पीडब्ल्यूडी एक्शन द्वारा जांच की गई तो उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में मौके पर ही सड़क में भारी खामियां नजर आ रही हैं। इस सड़क में नियम के अनुसार किसी भी निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप में सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मौके से सैंपल ले लिए गए हैं, उनको टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर ही सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। गुहला से बब्बल कुमार की रिपोर्ट। हमें जांच से इतनी संतुष्टि है कि सामने माल हमारे पास है, यदि ये माल नहीं चेक हो गया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि भी ये इसमें कोई ठीक पा जाए। तो आपको लगता है कि अधिकारियों की मिली वक्त से ये सैंपल भी चेंज किया जा सकता है? इसकी भी हम देखेंगे, पीछे लगेंगे, ऐसी बात नहीं। बात तो आप वाली भी कुछ है, पर हमें ये भी लग रहा है कि भी कितने का नलको आए। 100 में से ना आप 19 का 1 कर सकते हैं और 1 का ना आप 1 नहीं कर सकते। कहीं नहीं कहीं आपको जांच अधिकारियों पर संदेह है? ये तो सारा सिस्टम का पता आपको जो भी है, मेरे से पूछने की जरूरत तो नहीं है। जांच में देख रहे तो इसमें कोई पता नहीं चलता। सैंपल ले लिए हैं और सैंपल लेके ये लैब में टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद जांच जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जांच रिपोर्ट डीडीपीओ कैथल को दे दी जाएगी। सर आप बोल रहे हैं कि शुरुआती जांच में कुछ नहीं पता लग रहा है कि जहां मिट्टी है यहां रेता होना चाहिए। शुरुआती जांच में ये देखने में आया है कि इसी एक तो रोलिंग ठीक नहीं हुई और इसमें जो गट्टा डलना था वो कम मात्रा में है। तो आप मानते हैं कि कमियां हैं इसमें? कमियां हैं। तो सर क्या है, किस तरह की और कब तक सैंपल भेजा जाएगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी? इसकी विदिन वीक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद है ना जो भी रेक्टिफिकेशन पंचायत डिपार्टमेंट करवाएगा या जो भी रिकवरी करेगा वो उनका काम है। सर बात हुई यहाँ की, बात करते हैं चीका शहर की। जी। 4 लाइन का काम चल रहा है गुला चीका में, तो पूरी तरह ठप पड़ा है, हादसे हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार लगातार लोग आपके विभाग को ठहरा रहे हैं, तो वो काम कब तक स्टार्ट होगा? उसमें ना जो एक दिक्कत ये आ रही है, उसमें पानी की पाइपलाइन शिफ्ट की जानी है और गुला रोड में जो बिजली के खंभे हैं वो शिफ्ट होने हैं, इस करके काम क्या हुआ है, पाइपलाइन हम डाल रहे हैं वो हफ्ते में डल जाएंगी, उसके बाद काम तेजी पकड़ जाएगा। सर डिवाइडर के बीच काम नहीं चल रहा गुला चीका में, कहीं भी काम नहीं चल रहा, आप बोल रहे हो कि पाइपलाइन का काम जारी है? पाइपलाइन का काम चल रहा है, अभी भी देख लो आप जाके। और सर दूसरी गुला चीका में जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं सभी में अनियमितताएं हैं, किसी की भी जांच करवा सकते हैं आप। तो आरोप लग रहा है कि आपकी मिली भक्त से ठेकेदारों से, तो ये सारा कार्य चल रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक का काम है, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनका काम है शिकायत करना, कोई पर्टिकुलर रोड बताएंगे तब शिकायत की गई थी। पाइपलाइन ने पहले भी कैथल रोड पे पूरी पाइपलाइन नीचे को दबा दी, चौक के अंदर 6 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है, हर रोज वहाँ पानी निकलता है, तो अब सिर्फ गुला रोड की पाइपलाइन क्यों वो जो लीक है वो पुरानी पाइपलाइन है और वाइड लिंक के लिए ना इनको शिफ्ट किया जा रहा है किनारे पे, जो पुरानी पाइपलाइन जो नीचे आ गई है वो लाइनें बंद कर दी जाएंगी, वो डेड हो जाएंगी। ये पहले भी इन्होंने जिस शिकायत करी थी उसकी भी जांच हो चुकी थी, इन्हें तो भरोसा नहीं है किसी पे भी, अरे ये बिल्कुल ओके ऑन द रिकॉर्ड है, ये कभी भी नहीं मिटती कोई भी चीज़। सर ये मौके पे देखने में आया सड़क दबी हुई है और इसके अंदर रेता डलना चाहिए था, रेता नहीं है, मिट्टी है, तो कैसे कहेंगे? ये तो रिपोर्ट जो लैब बताएगी हुआ बैठ की, बिल्कुल रोलर चलाया सरकार का, रोलर चलाया बिल्कुल पूरे मापदंड से बनाई गई। चलो रिपोर्ट आ गई तो सेंटर।